For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है. मैं कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन हूँ. इस वक्त मैं कैम्ब्रिज में काम कर रहा हूँ, यूके में, और मैं लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक ट्रेनिंग सर्जन हूँ. तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी इस्लामिक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी 2001 में. पिछले 16 साल में अपने 3 साल की फुल टाइम रिसर्च की, उसमें मैंने रिसर्च डिग्री ली MD ऑनकोलॉजी के फील्ड में, और इसके अलावा मैंने हायर सर्जिकल ट्रेनिंग ली. इसके अलावा मैंने रोबोटिक ट्रेनिंग ली फ्रॉम पोर्टुगल. तो इस वक्त मैं कंसल्टेंट सर्जन वहाँ पे काम कर रहा हूँ पलासवानी में. मेरा जो स्पेशल एरिया है वो है कैंसर, छोटी और बड़ी आंख का, जिसका मैं स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ. और इसके अलावा मैं बहुत सारे रिलेटेड एरियाज भी कवर करता हूँ. कोलोरेक्टल सर्जन होता क्या है? तो कोलो है कोलन और रेक्टम है जो पखाने का रास्ता है. तो कोलन और रेक्टम मिलके एक बड़ी आंत का वो हिस्सा जहाँ अपेंडिक्स से शुरू होके और ये पखाने के रास्ते पे ख़त्म होता है. तो कोलन सर्जन वो सर्जन होता है जो कोलन और रेक्टम के बीमारियों को ट्रीट करता है. जो इसमें ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं वो हैं कैंसर, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी. कोलोरेक्टल कैंसर की जो कॉजेज हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं है. दो तरह की कॉजेज इसमें इम्पोर्टेंट हैं. एक तो है रिलेटेड टू फैमिली. अब फैमिली में अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो स्पेशली किसी की फैमिली में 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उनको बोलते हैं, और वो लेस दैन 40 ईयर्स में किसी को कैंसर हो तो हम उनको हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि जेनेटिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है. दूसरी जो चीज़ें कैंसर कर सकती हैं उसमें खुराक है. खुराक के अंदर अनहेल्दी डाइटिंग, जिस तरह चीज़ और बहुत ज़्यादा फैट का इनटेक और प्रोसेस डाइट, इसी तरह केमिकल और रेडिएशन एक्सपोजर, ये सब चीज़ें आपको कोलोरेक्टल कैंसर करवा सकती हैं. कोलोरेक्टल कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 और 2 का अर्ली कैंसर हैं जिनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है. जो स्टेज 3 है ये थोड़ी सी एडवांस डिजीज़ है, लेकिन इसमें भी इलाज मुमकिन है. जिसमें बाज़ दफ़ा आपको सर्जरी और कीमोथेरेपी का कम्बिनेशन बनाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर भी पेशेंट क्योर हो जाता है. स्टेज 4 में जो उसके अंदर भी बाज़ दफ़ा कुछ ऑप्शन होती हैं जिसमें हम मरीज का इलाज कर सकते हैं, और उसमें बाज़ दफ़ा बहुत एक सर्जन से ज़्यादा सर्जन इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी स्टेज 4 का इलाज नामुमकिन है, क्योंकि उसमें भी हम आजकल एडवांस ट्रीटमेंट्स इतनी अवेलेबल हैं कि उसमें भी कुछ पेशेंट का इलाज कर सकते हैं. पाकिस्तान में हमारा इशू ये है कि कैंसर डायग्नोस बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है. तो हमें चाहिए कि हम इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करें. अब स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग 2 तरह की है. एक तो ये कि वो पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है और उनमें हम जा रहे हैं देखना कि बाकी मेंबर्स में कैंसर तो नहीं. तो वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उसके मुताबिक उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके मुताबिक उनकी स्क्रीनिंग के टेस्ट एडजस्ट किए जाते हैं. दूसरे ग्रुप में, जनरल पॉपुलेशन में, फिर आगे 2 तरह के ग्रुप हैं. एक ग्रुप है जो सिम्टोमेटिक है और एक ग्रुप है जिसका कोई सिम्टम नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर लोगों में बगैर किसी इलामत के, लेकिन कुछ लोगों में इलामतें के साथ जाहिर होते हैं. जो इलामतें इसकी कॉमन हैं वो हैं पेट में दर्द या पखाने के रास्ते में दर्द, खून आना जो कि काफ़ी लेट साइन है आमतौर पर, वेट लॉस जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो, आप वज़न कम करने की कोशिश नहीं कर रहे और आपका बहुत ज़्यादा वज़न ड्रॉप हो गया है, तो ये एक खतरे का निशान है. आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और ओपिनियन लें. कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं. एक तो होती है जनरल पॉपुलेशन स्क्रीनिंग, जिस तरह इंग्लैंड में पूरे सर्वेलेंस प्रोग्राम है जिसमें हम पेशेंट को स्टूल किट भिजवाते हैं और ये एज क्राइटेरिया चेंज होकर 50 ईयर्स हो गया. अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने स्टूल सैंपल 2 या 3 सैंपल
उनको एक कंटेनर में डाल के और उनको पोस्ट कर देता हूँ लैब को। तो लैब को रिजल्ट मिलते हैं और वो उसमें देखते हैं कि उसमें ब्लड है कि नहीं। इस स्क्रीनिंग मेथड के कुछ फ़ायदे हैं कि ये सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें और इसमें कैंसर भी डायग्नोज हो जाता है, लेकिन अगर कैंसर उसको बिलीव नहीं कर रहा तो कैंसर पिक नहीं होगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। दूसरा तरीका जो स्क्रीनिंग का हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट आता है, उसको हम बाउल को क्लीन करते हैं और लेफ्ट साइड बाउल की एक फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप के जरिए देखते हैं, जो कि कोलोनोस्कोप ही होती है, एक लंबी सी ट्यूब और उसके आगे कैमरा लगा होता है, एंड यू कैन वॉच एवरीथिंग ऑन स्क्रीन। सो वो आपको उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड पर कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरीके का यह फायदा है कि पूरी कोलोनोस्कोपी नहीं करनी पड़ती, लेकिन नुकसान ये है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड के कैंसर ही पिक कर सकते हैं और राइट साइड के नहीं कर सकते। तो अगला तरीका जो स्क्रीनिंग का है वो है कोलोनोस्कोपी, जो कि टेस्ट मेथड है। इसमें आपको बाउल प्रेप मिलती है, वी क्लीन यू फुली इनसाइड एंड देन वी डू योर कैमरा टेस्ट, इट्स कॉल्ड कोलोनोस्कोपी। और इसमें सेम कैमरा यूज़ होता है, इसके आगे ट्यूब के आगे कैमरा लगा होता है, और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि हम पूरी की पूरी कोलन देख लेते हैं और कहीं भी कैंसर हो तो वो डायग्नोस कर जाएगा। क्वेश्चन पेशेंट और पूछते हैं कि आप ऑपरेशन कैसे प्लान करते हैं। ऑपरेशन प्लान करने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट पहले करने होते हैं, जिसमें एक टेस्ट कोलोनोस्कोपी है। उसका मकसद ये होता है कि मेक श्योर करना कि पेशेंट को एक ही कैंसर है, क्योंकि 5% पेशेंट में दो कैंसर भी निकल आते हैं। इसी तरह हम सीटी स्कैन करवाना होता है, जिसमें चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस उसको बोलते हैं, और ये बड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है ये देखने के लिए कि कैंसर सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ पे कैंसर है, या फिर फैल के उसी बाकी जगह चला गया। एक और स्कैन हम जो काफ़ी कॉमन करवाते हैं वो है MRI स्कैन, और वो स्कैन हम करवाते हैं रेक्टल कैंसर के लिए, क्योंकि रेक्टल कैंसर में जो उसके इर्द गिर्द की जो स्पेस है वो थोड़ी होती है, और हमें एग्जैक्टली पता चलना चाहिए ऑपरेशन से पहले कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो फिर वो MRI स्कैन इस टर्म में बहुत यूजफुल टेस्ट है एज कम्पेयर टू CT स्कैन। तो ये एक एडिशनल टेस्ट है। कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, और इसके अलावा एनेस्थेटिक फिटनेस देखने के लिए पेशेंट का प्लान करते हैं कि उसके लिए एकोकार्डियोग्राम कराएं कि ECG करवाएं, या डिपेंडिंग हम टेलर करते हैं पेशेंट के मुताबिक कौन से टेस्ट होने चाहिए। पेशेंट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आपकी क्विक रिकवरी हो, और इसके अलावा इसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो। और ये काम मैं शुरू करता हूँ अपने क्लिनिक से। जब मैं आपको क्लिनिक में देखता हूँ तो मैं आपको ना सिर्फ कैंसर के मुताबिक इंफॉर्मेशन देता हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिसमें आपको बताता हूँ कि आपने अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसे बढ़ानी है ऑपरेशन तक वाले दिन के लिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ सांस लेने की एक्सरसाइज बताता हूँ, ताकि जब जिस दिन आपका ऑपरेशन हो आप अपने नॉर्मल से थोड़ा बेहतर हो, आपकी ऑक्सीजन अच्छी हो, आप थोड़े ज़्यादा फिट हो उस ऑपरेशन दिन के लिए। इस सूरत में आपका इतने बड़े ऑपरेशन से मुकाबला करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। कैंसर के हमने प्लानिंग की, सर्जरी कर ली, अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको हमने फॉलोअप करना, और ये फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि कैंसर की आप सर्जरी बेशक कर भी दें, बाद दफ़ा कैंसर वापस आ जाता है। तो इंग्लैंड में हम 5 साल का फॉलोअप प्लान करते हैं आमतौर पर। उसके अंदर शुरू में 3-3 महीने के विजिट होते हैं, फिर 6-6 महीने के, और उसके बाद हर साल एक विजिट। इस एग्जामिनेशन में, इस फॉलोअप के अंदर हम प्लान करते हैं कि हम आपका मुआयना करें। मुआयने के साथ हम कुछ कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन प्लान करते हैं, जो आमतौर पर पहले 2 साल में और 5 साल के ऊपर होता है। इसी तरह हम उनके CT स्कैन प्लान करते हैं, जो कि पहले हर साल होते हैं, पहले 2 साल और उसके बाद 5 साल पे होता है। तो इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि अगर कैंसर वापस आ जाता है तो हम उसको फिर अर्ली पकड़ लें, और जब अर्ली पकड़ लेते हैं तो हम उसको फिर क्योर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम उसको इग्नोर कर दें और ये सोचें कि ये कैंसर कभी नहीं आएगा, जो हो सकता है हो जाए, लेकिन ये चांस लेने वाली बात है। तो मशवरा हमारा ये है कि जब कैंसर ऑपरेशन करवा लें उसके बाद रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहले दी है उसके मुताबिक अगर आपको आपकी फैमिली में किसी को कोलन या रेक्टम का कैंसर है और आप मशवरा लेना चाहते हैं, इसी तरह किसी को पोलिप है या कोई रिलेटेड मसला है,
या आपको सिम्टम्स हैं जिससे आपको लगता है कि शायद आपको कैंसर हो सकता है, तो प्लीज़ आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू।